हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, सो फाइनली आप लोग के लिए सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का लेकर के आ गए हैं। जैसे कि आप लोग का अभी सेंटअप एग्जाम चल रहा है, अब लास्ट पेपर आप लोग का जो हिस्ट्री का होना था और आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हिस्ट्री का अपलोड कीजिए, तो सो इससे पहले मैं आप लोग को हिस्ट्री का प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर दोबारा कीजिए, शायद आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया होगा या आप लोग शेयर नहीं किए अपने दोस्तों को। तो प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में आज जुड़े हैं, बस आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को यहाँ से जो है हेल्प हो पाएंगे। ओके, और जो बच्चे नए हैं, आपकी अगर तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, आप 2024 में आप बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि सेंटअप एग्जाम का पैटर्न जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट करा रहा है बिहार बोर्ड द्वारा, ठीक है। तो जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का ही जो है आंसर देना होता है, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे कॉलेजेस में एग्जाम हो भी गए और बहुत सारे अभी तक नहीं हुए हैं, जो अगर दे दिए हैं एग्जाम तो उसका आंसर क्यों आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जो नहीं दिए हैं उसके लिए तो सोने पे सुहागा है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग, पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी। चलिए तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, यह ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, विलियम जॉनसन के द्वारा कब किया गया था, 1784 में, और कहां पे किया, ये कोलकाता में, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, विलियम जॉन्स, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहलाता है क्या, यानी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी, ठीक है जी। चलिए बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की बात हो रही है, सबसे पहले जो है किस वर्ष हुई थी, तो आप लोगों को पता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा ही था, और कब खोजा गया था, 1931 में खोजा गया था, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, तो ये भी ऑलरेडी आप लोगों को पता है, और इसका आंसर आप लोग ए बताएं, ठीक है जी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का अगर मतलब खुदाई जो है सबसे पहला 1921 में हुआ था, हड़प्पा सभ्यता अगर पूछा जाए तो वो उसका अलग होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा का सबसे पहला खुदाई हुआ था, इसलिए उसका नाम पर जो है हड़प्पा पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि देखिए धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो मैंने आपको कई बार क्लास में बता रखा है, ठीक है, कि धौलावीरा जो है कहां पे है, गुजरात स्थित, गुजरात में स्थित है, ये तो हम लोग ऑलरेडी कई बार पढ़ रखे हैं, ठीक है जी। चलिए, फोर नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। देखिए, हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, और ये जो है सिंधी भाषा का शब्द है। तो यहाँ तो आप लोगों को क्या ही है, मैं आपको जो है फुली एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाएंगे, यहाँ आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को आप लोग एबीसीडी करके नोट कर लीजिए, क्योंकि यही आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो आपको ढूंढने की क्या ही जरूरत है। फाइव नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था। प्यारे बच्चों, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल्का प्रमाण जो मिला था वो कहाँ पे मिला था, काली बंगाल से मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का काली बंगाल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए, यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये तो आपको खुद ये क्वेश्चन है, ओरिजिनल ही क्वेश्चन है, यही आपको सेम टू सेम दिखेंगे, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने उत्खनन कहाँ करवाया था, देखिए हम लोगों को पता है राखलदास बनर्जी ने उत्खनन जो करवाया था ये हम लोग जानते कब, यानी 1922 को करवाया था, और ये कौन सी किसका कराया था, ये मोहनजोदड़ो का कराया था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्या कहलाते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन, पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से यानी कौन नहीं आता है, तो मैंने आपको बताया था पुरातत्व के अंतर्गत जो होगा साहित्य जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सिक्के आता है, यानी किसके अंतर्गत, पुरातत्व के अंतर्गत आता है, अभिलेख भी आता है, भग्नावशेष भी आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वेदों की संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों वेदों की संख्या के बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या जो है कितनी है, वो चार है, ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, समवेद, तो ठीक है, ये आपका आंसर जो है प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कई बार ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, देखिए एकदम गर्दा उड़ा देंगे आप लोग, क्वेश्चन खुद अपने से आप लोग, आपको लगता है ना खुद से आप लोग जो हमको लगता है आई थिंक सॉल्व करते होंगे। कलहन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ का जो है रचना की गई थी, देखिए कलहन के द्वारा जो है राज तरंगिणी का लेखक कौन है, कलहन है, तो बिल्कुल इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य हो जाएगा, चाणक्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कलहन का, कलहन जो किसका लेखक है, राज तरंगिणी के लेखक कौन हो जाएगा आपका, यानी कलहन, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे दस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, खारवेल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। प्यारे बच्चों देखिए खारवेल के बारे में आपको बताना है, ये जो अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, जूनागढ़ से प्राप्त हुआ था, नानाघाट से, या हाथी गुफा से, या सभासगिरी से। तो देखिए आप लोगों को पता है खारवेल के बारे में, तो आपको पता है वहाँ जो है हाथी गुफा के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो बिल्कुल आपको पता होगा मगध का जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बिंबिसार के द्वारा किया गया था, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप लोग का बिंबिसार जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, एकदम सुपड़ा साफ कर देंगे आप,
लोग, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है जी। इसलिए जो आपको इसी तरह का अगर गर्दा उड़ाना है ना अगर बोर्ड एग्जाम में, तो पहले पैरामीटर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रियदर्शी, अशोक यानी किस वंश का शासक था, हम लोग जानते हैं कि अशोक जो थे यानी मौर्य वंश के शासक थे, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक को ही जो है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, सुंग वंश की स्थापना किसने किया था, मैंने कई बार आपको पढ़ाया, ठीक है, सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर पुष्यमित्र जितने सारे बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे। 14 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन विदेशी यात्रा भारत आया था। देखिए गुप्त काल में जो आए थे कौन आए थे, बिल्कुल आपको पता है फहान आए थे, ठीक है जी। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, और इसका आंसर कर बच्चों ये जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना क्या होगा इसका आंसर। बुद्ध को निर्वाण कहां से प्राप्त हुई थी। देखिये बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को जो निर्वाण कहां प्राप्त हुआ था, बोध गया में, सारनाथ में, सनाची या कुशीनगर में। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा, कुशीनगर जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर कुशीनगर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे यानी कौन थे। तो बिल्कुल आपको पता है महावीर स्वामी जो है 24वां तीर्थकार थे, और प्रथम जो थे हम लोग जानते हैं ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के संस्थापक जिसको कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, महावीर स्वामी को कब जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था बताइएगा। महावीर स्वामी के बारे में आप लोग को डेफिनेटली बताना चाहिए इसको जो है, यानी 468 ईस्वी में जो है इसको, यानी ईस्वी पूर्व में जो है इसको हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी प्यारे बच्चों। तो बताइएगा प्रथम जैन संगीति आप लोगों को पता होगा डेफिनेटली ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र में प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे आप लोग पाटलिपुत्र बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, प्रथम बोध संगीति जो है कब हुई थी बताइए, इसके बारे में बताना आपको, प्रथम बोध संगीति के बारे में बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो देखिए हम लोग जानते हैं ये 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। अस्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है, तो आप लोग को पता होगा अस्तूप का संबंध जो है आपका ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा, और ये बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 आपके समक्ष में, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। देखिए आप लोग एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करते, ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग एबीसीडी करके इसका आंसर की को नोट कर लीजिए, या 2 से 3 बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, यही आपका जो है ओरिजिनल पेपर है। बुद्ध चरित्र की रचना जो है प्यारे बच्चों किसने किया था, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा ये बुद्ध चरित्र के लेखक जो है अश्व घोष होगा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। धर्म ग्रंथ में सुत्पीठक किस धर्म से संबंधित है, आप लोगों को पता है त्रिपीठक है, जिसमें सुत्पीठक, विनय पीठक, अभिधर्म पीठक होता है, ये सभी जो आपको पता है बौद्ध धर्म से होता है, और जिसमें त्रिपीठक होता है, त्रिपीठक का अर्थ होता है यानी 3 टोकरियां। तो ये सारे हम लोग चीज जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, सब जानते हैं कि बुद्ध का बचपन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था यानी सिद्धार्थ था, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से प्यारे बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो हम लोग जानते हैं जो होगा आपका यानी जैन धर्म से हो जाएंगे। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, गजब का आंसर आप लोग का आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। देखिए जैन धर्म इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल, देखिए जैन धर्म होगा इसलिए क्योंकि 2 अनुयायियों में जो है व्यक्त हो गया था, 2 शाखाएं में दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है जी। तो चलिए इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 25 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, प्राचीन भारत में इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको पता है गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, डेफिनेटली आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे अवस्थित है। तो आप लोग पता है तक्षशिला जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, और ये बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर, देखिए पहले तो भारत में ही था लेकिन विभाजन हो गया, तो उसके बाद जो पाकिस्तान में पड़ गया वो। 27 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कनिष्क का राजरोहण जो 78 ईस्वी में हुआ था, और इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे आपको पता है ना भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का अलेक्जेंडर कनिंगम जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, जीवक वेद किस वंश के काल में था। तो बिल्कुल आपको पता है जीवक जो है हड़ियक वंश में था, और इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, महावीर का जन्म जो है कहां हुआ था। देखिए महावीर का जन्म आप लोग को डेफिनेटली पता है, महावीर का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, पावलपुरी में, कुंडलवन में, या सारनीथ में। तो हम लोग जानते हैं कुंडलग्राम में हुआ था, लेकिन कुंडलवन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे। इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित किया गया है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है अकबरनामा जो है 3 खंडों में विभाजित है, ये बिल्कुल आपको बता, और तीसरा खंड ही जो उसका आयनक बड़ी है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अकबर का आत्मकथा किसने लिखा था, आपको बताना अकबरनामा
हाँ, अकबर का आत्मकथा हम लोग जानते किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो अकबरनामा हो गया, वो तो उसका आत्मकथा ही है ना। तो वो जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, उसके बाद ऐन अकबरी भी जो है इसी के द्वारा लिखा गया था। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग है ना ए जो है ना प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। अकबर के काल के किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा ऐन अकबरी जो है ऐन अकबरी की रचना की थी? तो बिल्कुल आपको पता है ये अबुल फजल होगा, और इसका आंसर आप लोग अबुल फजल जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 34 देखेंगे, अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था बताइएगा, यानी अकबर के काल में जो है मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आप लोगों को पता है, अकबर के काल में जो थे मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री तो वो कौन थे? टोडलमल थे, यानी कौन थे वो? टोडलमल थे। और इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों ये जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे 35 आपके स्क्रीन पे, अकबर का जन्म कब हुआ था? देखिए हम लोग जानते हैं अकबर का जन्म जो है 1542 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। 36 देखेंगे, अकबर का संरक्षक कौन था? देखिए अकबर का संरक्षक आपको पता है ना बेरम खां था। कौन था जी? बेरम खां था, बिल्कुल। ये 1556 में जब से गद्दी पर कर बैठा था उसका संरक्षण तो कौन कर रहा था? बेरम खां ही ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो मैंने आपको बताया था ना तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर किया था, और उसका पुत्र जैसे गद्दी पर आकर के बैठा जितने सारे नशीली पदार्थ सब पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। 38 देखेंगे, बाबर का शासनकाल क्या था बताइएगा? देखिए बाबर का शासनकाल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, बाबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1530 तक था, उसके बाद फिर उसका बेटा हुमायूं बैठा था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ये जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। हुमायूं नामा की रचना जो है किसने किया था? आप लोगों को पता है हुमायूं नामा जो है किसके रचना जो है किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था, और इसका आंसर आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और किसके आग्रह पर लिखा था? ये अकबरनामा के आग्रह पर, अकबर के आग्रह पर लिखा गया। 40 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का पहली लड़ाई कब हुआ था? देखिए हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 में, जिसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। ठीक है जी, चलिए 41 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए हम लोग जानते हैं ना खानवा की युद्ध जो लड़ा गया था वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए 42 देखेंगे, शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में जो है परास्त किया था? तो शेर खान ने जो है मतलब आपको पता है ना ये चौसा के युद्ध में जो इसको यानी परास्त किया था 1539 में, आई थिंक 1539 या 40 में ऐसे समथिंग कुछ था। ठीक है चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 43, मलिक ए जमानी की उपाधि जो है किसने प्राप्त की थी बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का प्यारे बच्चों बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा ना मुमताज महल हो जाएंगे, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 44 देखिएगा, यानी उत्तराधिकारी का युद्ध जो है किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो ये जो हुआ था यानी अकबर औरंगजेब के काल में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में औरंगजेब दिया हुआ नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसका कमेंट करके आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 45 देखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने आपको बताया था बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, जो आपको पता है ना कहाँ, फतेहपुर सिकरी में है, और आप लोगों को पता है ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। 46 देखेंगे आपके स्क्रीन पर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जानते हैं भारत का प्रथम मुगल शासक जो है बाबर था, और इसका अंतिम की अगर बात किया जाए तो बहादुर शाह जफर, इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। 47 अकबर के निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? अगर यहाँ दिया हुआ रहता अकबर ने किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था तो इसका आंसर मेवाड़ होता, लेकिन किस जगह पर अधिकार नहीं कर पाया तो ये मेवाड़ के अंतर्गत ही आता है चित्तौर, और वो चित्तौर जो है जगह पर जो है वो नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों डी जो है ना आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 48 देखेंगे, किस मुगल शासक ने हिंदू पर जो है से जजिया कर हटाया था? तो आप लोगों को पता है ना किस शासक ने हिंदू पर से जो जजिया कर हटाया था? तो बिल्कुल ये जजिया कर जो हटाने वाले कौन थे? ये अकबर थे। ठीक है, जिसलिए महान राष्ट्रीय शासक के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिल्कुल आपको पता है ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है, और इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, सुलह कुल की नीति किसकी थी? तो बताइएगा सुलह कुल की नीति जो है ये किसके द्वारा किसका था बताइए? तो हम लोग जानते हैं सुलह कुल की नीति जो है इसका मतलब होता है विश्व शांति, और ये जो होता है क्या होता है अकबर के द्वारा चलाया गया था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 51 देखेंगे, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था बताइएगा? 51 का, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग बताएं ये तुलु वंश के थे, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 51 जो भी बच्चे आप लोग यानी तुलु वंश बताएं बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन 52 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या बात है, अमुक्त मालियात की रचना किसने की थी? तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का पता होगा, ये कृष्णदेव राय का होगा, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर तथा बुक्का किस वंश का शासक था? तो हम लोग जानते हैं हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 में, ये जो है कौन सा वंश का था? तो ये संगम वंश का था। फिर बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे संगम वंश बता रहे ना, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा
ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था, तो अब्दुल रज्जाक आए थे, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी 55 नंबर क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए तालीकोटा का युद्ध जो है 1500 कब हुआ था, यानी 1500 एक बार फिर से देख लीजिएगा, तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था, 1565 को हुआ था, ये बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किस विदेशी यात्री ने महानवी के डिब्बे को जो है विजय का भवन दिया था, तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए किस विदेशी यात्री ने जो है महानवमी के डिब्बे को जो विजय का भवन दिया था, वो तो डोमिंगोस पुइस था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, मैंने बताया आपको हरिहर भूका ने किया था, ये कब किया था, 1336 में किया गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, चलिए मीरा किसकी भक्ति थी, तो हम लोग जानते हैं मीरा जो है किसको अपना किसकी भक्ति थी, वो अपना पति मानते थे, किसको, कृष्ण को पति मानते थे, तो अपना कृष्ण के भक्ति में जो है वो लीन रहती थी। ठीक है, अपना पति मानते थे कृष्ण को। ठीक है, चलिए तो ये आप इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होगा। 59 देखेंगे आपके स्क्रीन पर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने शुरू किया था, तो ये बिल्कुल मैंने कई बार आपको बताया था रामानंद के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो हम लोग जानते हैं बीजक में जो है सभी बच्चों को बताइए कबीर का है, और इसका आंसर आप लोग का मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 61 आपके स्क्रीन पे, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, चलिए बताइएगा, तो खालसा पंथ के बारे में, खालसा पंथ के बारे में आप लोगों को बताना है, और खालसा पंथ का जो स्थापना आप लोगों को पता ना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सभी को करा रखा हूं, तो ये एकदम बिल्कुल गर्दा उड़ा दे होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये बिल्कुल अगर आप लोग इसी तरह का अगर सुपरा साफ करना चाहते हैं, तो चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। 62 देखिएगा, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको बताया था ना 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। देखिए ये जितने सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ा गया उन सभी क्वेश्चन को जो है पूछा गया एग्जाम में, तो ठीक है ये चीज जो आप लोग को इसी तरह का बोर्ड एग्जाम का अगर आपको तैयारी करना है, तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भारत में चिश्ती सिलसिला के पर्वतक कौन था, तो मैंने बताया था ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका दरगाह कहां पे है, अजमेर में। ठीक है जी, तलवंडी किस राज्य में अवस्थित है, तो मैंने बताया था ये तलवंडी जो है पंजाब में पड़ता है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 65 किताबुल हिंद की रचना जो है किसने किया था, बताइएगा, 65 का आपको बताना है किताबुल हिंद के बारे में, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का जो हो जाएगा ना अलबिरुनी हो जाएगा, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे हम लोग, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो मैंने आपको बताया था ना कि मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 67 देखेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री कौन था। ठीक है, तो आपको बताया ना कि इसके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो आए थे वो फयान आए थे। ठीक है, गुप्त काल में। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 68, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था, तो हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 में हुआ था, और ये बिल्कुल इसका आंसर डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 69 प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, तो बिल्कुल आपको पता ना प्लासी का युद्ध के बारे में, तो प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को पता है प्लासी का युद्ध जो है 1757 को हुआ था, कब हुआ था जी 1757, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां हुआ था, तो मैंने आपको कई बार बताया था औद्योगिक क्रांति के बारे में, तो ये इंग्लैंड में हुआ था, कहां पे हुआ था इंग्लैंड में, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 71 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो है कौन थे, तो हम लोग जानते हैं भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे यानी कौन थे, वो पुर्तगाली थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ये जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सभी बच्चों को पता है संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एंड कन्हू था, और बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में जो है कार्नवालिस कोड के द्वारा लागू किया गया था, ये आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किसने किया था, ये कार्नवालिस कोड के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है जी, चलिए तो देखिए आगे देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को, इसी तरह का आपको जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए तो बिल्कुल आपको तैयारी अगर करना है तो एकदम सुपड़ा साफ करना क्वेश्चन का, तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए हरप नीति किसने लागू किया था, मैंने आपको बताया था हरप नीति जिसको डलहौजी ने लागू किया गया था, और ये भी आपको बताया डलहौजी हो गया, उसके बाद आपका हरप नीति का जो है डलहौजी होगा, उसके बाद हरप नीति होगा, और एक कौन नीति है इसमें हरप नीति, ये जो है डलहौजी का और भी एक नीति है, आई थिंक अभी हम थोड़ा भूल रहे हैं। ठीक है डलहौजी, हाँ चले बताएंगे अभी, रुकिए 75 देखेंगे, 1857 की क्रांति किसके द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है जी, चलिए तो बिल्कुल आप लोग पता है ये जो होगा यानी 1857 की क्रांति किसके द्वारा लागू किया गया था, तो हम लोग जानते हैं सिपाहियों के द्वारा, और इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 76 यानी 1857 का विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था, बताइएगा। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे 1857 की जो है 1857 का विद्रोह जो है कहाँ आरंभ हुआ था, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको बताना चाहिए ये जो है कहाँ से यानी मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, चलिए मेरठ से इसका आपका स्टार्ट हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है 77, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस
18 साल, तो उनके लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं वीडी सावरकर जो इसका लेखक है, कौन है इसका सावरकर, मतलब वीडी सावरकर इसका लेखक है, और इसका आंसर आप लोग का वीडी सावरकर राइट आंसर हो जाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चन, अवध में 18 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व यानी जो है किसने किया था? देखिए अवध से जो किया था 18 सल्तनत का, मैंने कई बार आपको बताया था बेगम हजरत महल हो गया, लखनऊ से भी हो गया बेगम हजरत महल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फिर से देख लीजिएगा। 18 सल्तनत के काल में कौन मुगल बादशाह दिल्ली का शासक था? तो उस टाइम जो थे यानी 18 सल्तनत के काल में जो है, ये पता है आपको कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, और ये इसी का नेतृत्व में जो है ये आंदोलन हो रहा था, ठीक है, क्रांति हो रहा था। तो ये बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, पीर अली ने 18 सल्तनत की क्रांति का नेतृत्व जो है कहां से किया था? मैंने आपको बताया था ना, पीर अली जो है पटना से किया था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी राइट आंसर हो जाएगा, अपना बिहार के पटना से, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ना बिहार से कौन किया था? वीर कुंवर सिंह किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। चलिए भी आप लोगों को पता है, क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति जो है यानी कब हुई थी? देखिए आप लोग जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों, जितने सारे बच्चे आप लोग सी बताया ना, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। 82 देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहां पे हुआ था? तो मैंने आपको कई बार बताया था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो इसका जन्म जो है आपका यानी काशी में हुआ था, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? मैंने आपको बताया था वास्को डी गामा जो है भारत 1498 को आया था, कालीकट, केरल कालीकट में आया था, ठीक है। चलिए तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं भारत में पहली जनगणना, यानी सबसे पहला जनगणना भारत में यानी कब हुआ था? तो देखिए सबसे पहला जनगणना भारत में 1872 को हुआ था, और पूर्ण रूप से जनगणना जो है 1881 को हुआ था। तो यहाँ पहला पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लोग 1872 राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे राइटर्स बिल्डिंग कहाँ अवस्थित है? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको पता है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में जो है स्थित है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ये जितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया एकदम बिल्कुल 100% जो मतलब 100% राइट इसका आंसर है पूरा सभी का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 86, स्वेज नहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है कब खोला गया था? तो ये बिल्कुल आपको बताया ना स्वेज नहर जो 1869 को खोला गया था, ठीक है। तो बिल्कुल इसका प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए तो हम लोग जानते हैं ना कि स्वेज नहर जो है स्वेज नहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कब खोला गया था? तो देखिए हम लोग जानते हैं 1869 को जो है खोला गया था जी, बिल्कुल 17 नवंबर 1869 को खोला गया था, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए था? तो हम लोग जानते हैं गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका 1893 को गया था, और वापिस जो आए थे 1915 को आए थे, लेकिन यहाँ 1915 आपको ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है आप इसका ये तो ये तो मतलब मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा हम लोग देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने सविनय आंदोलन जो है कब आरंभ किया था? तो मैंने आपको बताया था सविनय आंदोलन जो है बिल्कुल नमक कानून के लिए 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 89 देखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? मैंने बताया था आपको पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 को हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं इसका आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए देखिएगा महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया था बिहार में हुआ था, और ये कब हुआ था? 1917 को हुआ था अपना बिहार में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 92 में क्वेश्चन, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? देखिए आप लोगों को पता है ना कि 1920 में जो है कौन सा आंदोलन हुआ था प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, खिलाफत आंदोलन 1919, सविनय आंदोलन 1930 हुआ गया था, और ये 1919 को हुआ था, ये 1942 को हुआ था, ठीक है। तो ये सारे चीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे, तो यार ये तो एकदम सुपड़ा साफ कर देंगे आप लोग, हमें उम्मीद है ना कि आप लोग सभी बच्चे सुपड़ा साफ कर दिए होंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में रेगुलर जुड़ते हैं तो आपको पता ही है कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जो बहुत आसानी से जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। चलिए देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? तो बिल्कुल आपको बताना है 93 का बताना है। तो हम लोग जानते हैं दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कब आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों? 94 का देखेंगे, तो हम लोग को पता है कि द्वितीय विश्व जो है आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, यानी 1939 को आरंभ हुआ था, ठीक है। और एक चीज और आपको पता होगा, द्वितीय युद्ध जो है आरंभ जो 1939 को हुआ था लेकिन समाप्त तो जो है 1945 को हो गया था, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? देखिए आप लोगों को पता है कैबिनेट मिशन जो भारत यानी कब आए थे, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आए थे, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 को आए थे, ठीक है जी। तो जितने सारे बच्चे आप लोग 1946 बताए बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था?
हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके 97 नंबर क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यानी कौन थे, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है ना, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे यानी कौन थे, ये जो थे यानी सी राजगोपालचारी थे, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके 98 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, मैंने आपको बताया था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, लेकिन ये लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में जो हम लोग मनाते हैं। ओके चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत किस वर्ष जो है गणतंत्र बना था, तो प्यारे बच्चों बताइएगा भारत यानी किस वर्ष जो है गणतंत्र बना था, ये सभी बच्चों को बताओ, और 1950 को जो है गणतंत्र बना था, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारत के संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता, मैंने आपको कई बार बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।